दोस्तों आपका स्वागत है टेक्बेला में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल शशांक। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ब्लैक फंगस क्या है और ब्लैक फंगस जो है व्हाट इज ब्लैक फंगस। तो दोस्तों बेसिकली ब्लैक फंगस नाम से जो है ये एक आपका वायरस है जो कि ऑलरेडी हमारे सराउंडिंग में होता है और कई लोगों की बॉडी के अंदर में भी जो है होता है। और ये बेसिक वायरस था लेकिन अभी जो है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है क्योंकि जो कोविड से हुए शिकार जो लोग हैं जिनका कोविड का इलाज चल रहा होता है और वो जो है पहले से स्टेरॉइड्स नाम के ड्रग्स को लेते रहते हैं, मतलब स्टेरॉइड जो दवाई है वो लेते रहते थे, उसके कारण जो है उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और उनके ऊपर में ये जो है अटैक करने लगता है। वायरस अपने आप जो है इसको म्यूटेट होते जाता है, बढ़ते जाता है और जो बेसिकली आपके आंख के इधर पे या फिर नाक के अंदर में जो है पाया जाता है। तो इधर पे ब्लैक फंगस जो है दोस्तों बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसमें कई लोगों का जो है इसमें जान जा रही है, जिसमें बहुत सारे इसके जो इलाज है इसमें काफी सारे इंजेक्शन लगते हैं जो कि नॉर्मल कॉस्ट है, बट जो है अभी कम जगह पे ये इंजेक्शन पाए जा रहे हैं क्योंकि अचानक से बीमारी आई है, तो इसलिए इसका जो इलाज है वो बहुत जल्दी लोगों को नहीं मिल रहा है जिसके कारण बहुत सारे लोगों की जो है जान जा रही है। ब्लैक फंगस जो है बेसिकली आपका स्टेरॉइड के कारण होता है और अभी जो इसमें बेसिक बताया गया कि स्टेरॉइड के कारण, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि जो अभी इस समय कोविड के समय में जो ऑक्सीजन सप्लाई दी जा रही है उस ऑक्सीजन के अंदर में जो वाटर यूज किया जाता है उस सिलेंडर से अटैच रहता है उसके अंदर में जो डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं उसमें कई लोग जो है उसमें प्लेन वाटर को भी यूज कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण माना जा रहा है। लेकिन अब देखना यह है दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट जो सोर्स है वो अभी लोगों ने पता नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब पता चलेगा आगे जाके कि इसका एग्जैक्ट सोर्स जो है कहां से आया है और क्यों ये अचानक बढ़ रहा है। लेकिन इसका जो आंकलन निकाला गया वो यही है कि आपके इम्यून सिस्टम जो है कम होता है, घटता है स्टेरॉइड नाम सी दवाई के कारण में और उसी के कारण जो है ये डेवलप हो रहा है आपके शरीर में। तो आप ज्यादा से